क्योंकि उसका पूरा एक टुकड़ा मधुमक्खी लेके गई यहाँ पे से कंधे के ऊपर से। तो काफी खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनके पास नाना नानी दादा दादी होते। खलियान में थे मैं और मेरा भाई, तो ऊपर से उड़ के एक बड़ा सा गुब्बारा आया, मुझे हल्का सा याद है थोड़े बहुत, और इतनी खुशी हुई थी कि पापा ने इतनी दारू पी, मतलब वो हैंग ओवर हो गए। परसों होप अभी तक आप लोगों ने वो देख लिया होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके अवश्य उसे देख लें। वो मतलब बहुत अच्छा ब्लॉग है वो, और आपको काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा जिन लोगों ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी देख सकते हैं, आई कार्ड में उसका लिंक आ रहा होगा। तो पहाड़ों में एक नया दिन शुरू हो गया है और हम निकल चुके हैं अपने नए दिन को स्पेंड करने के लिए, और मैं डुंडा में हूँ आदित्य के घर में। आदित्य मेरा मामा का बेटा है, मैं बताता रहता हूँ हर एक ब्लॉग में। तो हम मुखीम से परसों आ गए थे, तो अब मुखीम के बाद मेरा ही ब्लॉग आ रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर, जहाँ आदित्य और उनका घर है। वो रहते नहीं है वहाँ पर, समय समय पे जाना पड़ता है घर को मेंटेन रखने के लिए, कि घर ताकि ख़राब ना हो, साफ सफाई के लिए जाना पड़ता है। तो आदित्य ने डिसाइड करा है कि हम दोनों जाएँ आज। और बचपन में मैं गया हूँ वहाँ, मतलब बहुत पहले, थोड़ी बहुत याद है मुझे, धुंधली धुंधली सी। उसके बाद आधे लोग भी वहाँ नहीं रहते हैं, वो यहीं रहते हैं डुंडा में। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं साफ़ सफाई करने, आपको ले जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे, एक नई जगह पे। और जस्ट अभी 9 बजे हैं और हम निकल चुके हैं डुंडा से, और उस जगह का नाम है जहाँ हमें जाना है, वहाँ का नाम है हिटाणु, जहाँ मेरी नानी और आदित्य की दादी और मतलब आदित्य औरों का घर है। कुल मिला के है तो घर आदित्य का ही, तो हमें वहाँ जाना है सफाई करने के लिए आज। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं, और पैदल ही हमें जाना है, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। तो चलते हैं एक नए दिन के साथ। तो अगर मेरे नानी या नाना जिंदा होते तो वहाँ जाने की मुझे एक अलग सी, मतलब एक खुशी होती, एक्साइटमेंट होती कि मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। और सीरियसली मैं बता दूं, मैंने अपने नानी और नाना दोनों में से किसी को नहीं देखा है, वो मेरे होने से पहले ही इस दुनिया से जा चुके। तो काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनके पास नाना नानी दादा दादी होते हैं, और मैंने सिर्फ इन चारों में से सिर्फ दादी को देखा है, और अभी तक मेरी दादी जिंदा है, पर दादा नानी और नाना में से मैंने किसी को भी नहीं देखा है। सो बैड फॉर मी। और मुझे अपने बचपन का फिर से एक किस्सा याद आ गया है, जब हम मामा की शादी के लिए आ रहे थे, यहाँ मैं, अनमोल मेरा भाई, और मेरी एक दीदी है संतोषी दीदी। तो उस टाइम वो भी छोटी थी और हम भी छोटे थे, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो हम यहाँ पे, हमें उतरना था गाड़ी से, और गाड़ी के ड्राइवर ने, बस चलती थी उस टाइम पे, मतलब जो खुली वाली गाड़ी रहती है जिसपे तिरपाल लटका रहता था, वो वाली गाड़ी चलती थी उस टाइम पे। और तो ड्राइवर ने हमें यहाँ से पूरा उधर तक, मतलब दूर तक लेके गया। फिर दीदी को भी पता नहीं था कि कहाँ पे रुकना है, लेकिन हमें याद था कि यहाँ पे रुकना है। फिर मतलब मैंने झगड़ के दीदी के साथ के उत्तर, मतलब दीदी के बाल ऐसे घुमा के, तब जाके हम दूर उतरे थे। फिर हमें बहुत पीछे पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ा, तब हम। तो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ अनुज, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तरकाशी वाला के माध्यम से, हमारे पहाड़ के हसीन गाँव के बीच से बने इन रास्तों से, जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, और आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के हसीन नज़ारे। होप आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी ना जाएं, और मुझे अपना प्यार अवश्य दें। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे की ओर, जो कि जा रहा है हिटाणु गाँव को, मेरे ननिहाल को जो रास्ता जा रहा है उस पर अभी हम चल रहे हैं। और अब एक पुलिया आने वाली है, 6 नंबर वाली पुलिया। हाय।
कैसे हो आप सब लोग? तो अब आगे का रास्ता हमें आदित्य ले जाएगा। तो मेरी डुंडा आने की वजह आपको पता ही है, और अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है जिस वजह से मैं डुंडा में आया हूँ। क्योंकि हमारे गांव में उतना नेट नहीं चल पाता है कि मैं कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाऊँ, और आज भी मेरी क्लास है और क्लास के टाइम के लिए मुझे वापस भी आना है। तो जल्दी से जाके हम घर की सफाई कर देते हैं, जो भी वहाँ कपड़े सुखाने के लिए हैं वगैरह जो भी करना है जल्दी से कर देते हैं, और अभी आधा घंटा लगेगा हमें पहुँचने में। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहे दोस्तों, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी मेरा हैंडल है उत्तर काशी वाला नाम से, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तो आपने मुझे सब्सक्राइब कर ही रखा है तो आपको मैं देखने को मिल ही जाता हूँ हर दो दिन बाद। तो देखते रहिए मेरी शक्ल को और लाइक करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाया करूँ और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकूँ और अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकूँ। फ़िलहाल चलते हैं। हम उस साइड से इस साइड पहुंच गए और यहीं आगे हिटाणु गांव है। तो फाइनली हम गांव में तो पहुंच गए और घर में भी हम पहुंचने वाले हैं, और ये रहा हमारा मतलब हमारा ही घर जो कि अब, तो ये है आदित्य औरों का घर, मेरी नानी का घर, और ये काफ़ी पुराना है और अब तो और भी पुराना हो गया क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है 15-16 सालों से, बस ऐसे ही हम समय समय पर साफ सफाई करने आते हैं। और वहाँ पे मधुमक्खियों का छोटा सा छत्ता है जिन्होंने अभी तक आदित्य को काटा, और वहाँ पे वो दर्द से तड़प रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे उन मधुमक्खियों से निपटा जाए और कैसे अंदर जाया जाए, तो सोचते हैं कुछ उनका इलाज और उसके बाद अंदर की साफ सफाई करके अभी हमें निकलना भी है घर को। मधुमक्खियों का इलाज तो खैर हो गया, हमने यहाँ पे आग जला दिया और अब वो वहाँ से निकल चुकी है। तो अब हम जिस काम के लिए आए हैं साफ़ सफाई के लिए वो कर देते हैं। तो बिना पार्टी के हम कहीं नहीं जाते हैं, हमने नीचे दुकान से अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लाए थे ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। तक को अभी मधुमक्खी ने काटा उसके कंधे के ऊपर, एक पूरा टुकड़ा उसका लेके गए हैं काट के, और काफ़ी सारे मधुमक्खी थे। तो अभी हमने धुआं जलाया वहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी है अभी, तो हम जल्दी से सफाई और बिस्तर वगैरह सुखाने डाल के फिर निकलते हैं घर को। और पहले हम थोड़ा जूस पी लेते हैं क्योंकि काफ़ी पसीना हुआ और काफ़ी तेज़ धूप लगी है बाहर पे, तो पहले जूस पी लेते हैं। और वैसे वैसे हम जूस पी रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको अपनी मेमोरीज शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि ये घर उस टाइम पे बनाया गया जब मामा की शादी होनी थी, तो मामा हमारे साथ रहे यानी हमारे घर में रहे कुछ सालों तक, तो पापा लोगों ने ही ये घर बनवाया। और पापा को काफ़ी खुशी हुई थी मामा की शादी के टाइम, मुझे हल्का सा याद है थोड़े बहुत, और इतनी खुशी हुई थी कि पापा ने इतनी दारू पी मतलब वो हैंगओवर हो गए, और हैंगओवर हो गए तो दारू में जैसा होता है नॉर्मली हल्ला गुल्ला, तो मतलब उस टाइम पे लैंप हुआ करता था एक छोटा सा, तो मुझे हल्का याद है पापा के पैर पे पूरा यहाँ बिस्तरों पे आग लग गई थी शादी के दिन, मतलब उतना भी बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन हुआ था हल्का सा, मतलब आग लगी तो पापा के पैर टूट चल गए थे, तो मतलब होता है ना दारू वाला आदमी को होश नहीं रहता है, तो हो गया गलती से, पर मैंने सोचा आपको बता दिया जाए तो मैंने बता दिया। यूँ जूस पीते पीते काफ़ी पहले की बात है, सुन लो आदित्य की सिर्फ इतनी मेमोरी घर से है कि वो रोज़ साफ सफाई करने आता है और घर का ख्याल रखता है, और मतलब इतनी खास नहीं है। और मेरी और एक मेमोरी है इस घर से जुड़ी हुई, जब हम मामा की शादी के लिए आए थे तो हम मतलब नीचे में थे, नीचे खलियान में थे मैं और मेरा भाई, तो ऊपर से उड़ के एक बड़ा सा गुब्बारा आया था, और अगर मेरा भाई देख रहा है इस वीडियो को तो वो ज़रूर मेंशन करे कमेंट में कि मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी था मेरे साथ, तो एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा आया था उड़ के। और बचपन में आप वो खुशी फील कर सकते हैं, मतलब अचानक से आपको कुछ चीज़ मिल जाए उस टाइम पर गुब्बारा, मैं सच कह रहा हूँ झूठ नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, तो ऊपर से आया था उड़ के सीधे यहाँ हमारे खलियान में जब हम शादी के लिए आए थे उस टाइम पे, मतलब बहुत पहले की बात है पर मुझे याद है, मतलब ये हमारे गांव का ही हमारा घर था पहले ऐसे। और देखो ये मामा, और ये परवेज की मम्मी, और ये ताया जी, और ये भी कुछ जानी पहचानी लग रही शायद हमारे गांव की ही कोई है। ये देखो हमारा पहले वाला घर ऐसा था, और घर गाँव हमारा गाँव यही है।
और फाइनली मुझे मेरी बचपन की एक छोटी सी पिक देखो, ये था मैं, मोटा था उस टाइम पे। और ये मम्मी, ये ताया जी, और ये हमारा घर। और अगर कोई इसे भी पहचान रहा है तो कमेंट में बताइए। ये देखो, ये कौन है? और ये है नानी जी, बिल्कुल मम्मी की तरह है, मामा की तरह है। आप सफाई कर ली है, और जो मैंने क्लास अटेंड करनी थी वो मैंने अटेंड भी कर ली है, और 2 बज चुके हैं दिन के, तो अब हम निकलते हैं। और काफ़ी तेज़ धूप हो रही है अभी, तो हम निकलते हैं जल्दी से, पहुंचते हैं डुंडा, भूख भी लग गई है हमें, तो निकल। हाँ, तो घर की साफ सफाई करने के बाद हम वापस जा रहे हैं डुंडा, और आदित्य ने पूरी सफाई की, मैं बस बैठा रहा उसके साथ। तो अब सीधे निकलते हैं जल्दी जल्दी से डुंडा, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी हुई है, काफ़ी मॉर्निंग में हम आ गए थे, और इसे ऊपर से मधुमक्खी ने भी काटा है, तो वो थोड़ा वीक फील कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा एक टुकड़ा मधुमक्खी लेके गई यहाँ पे से कंधे के ऊपर से, और वो दिखाने नहीं दे रहा है। मैं उसे कब से बोल रहा हूँ कि दिखा दिखा, पर अभी सीधे चलते हैं, और धूप भी काफ़ी तेज हो रही है, तो सीधे निकलते हैं अभी। डुंडा के लिए फिर